Hello, good morning students. This is Hemant Kumar Singh from Shantiniketan Jubilee Schools. I am a science teacher. Yesterday we have learned about momentum in different types of animals. Momentum in fish, momentum in amphibians. So today we are going to study ब्रीथिंग प्रोसेस इन एनिमल। हम लोग जानवरों में ब्रीथिंग प्रोसेस सांस श्वसन क्रिया के बारे में, सांस कैसे लेते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स है और सजीव हैं, वे जो है ना ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, भोजन को हम लोग के शरीर में जो भोजन करते हैं उसको पचाने में मदद करता है और उसके साथ साथ ऊर्जा देने का कार्य करता है। यानी कि द ऑर्गन्स दैट आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वी ब्रीथ आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन अंग। रेस्पिरेटरी श्वसन अंग मतलब वैसा अंग जो कि मदद करता है गैसों को सांस लेने में और छोड़ने में मदद करता है, उसी को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ब्रीथिंग मतलब सभी जानवर अलग अलग तरीका से सांस लेते हैं। सभी जानवर का सांस लेने का जो ऑर्गन्स होते हैं वे सब अलग अलग होते हैं। ब्रीथिंग इन इंसेक्ट। अब इंसेक्ट जो है कीड़े मकोड़े किस तरह से सांस लेते हैं, इंसेक्ट का सांस लेने का क्या, तो मोस्ट इंसेक्ट ब्रीथ पैसिवली थ्रू ए स्पेशल लंग। अधिकतर बहुत सारे ऐसे जो होते हैं मोस्ट इंसेक्ट ब्रीथ पैसिवली थ्रू ए स्पेशल ओपनिंग ऑन देयर बॉडी। मतलब उनके बॉडी में एक जो ना विशेष तौर पर जो ना खुला हुआ भाग रहता है जिसको स्पाइरेटल्स बोला जाता है। स्पाइरल श्वसन मतलब पंख झरोखा जिसको बोला जाता है, जैसे टीडिया ग्रास ऊपर के पास भी होते हैं। द एयर रीच इनसाइड, ये जो हवा जो है क्या होता है इसके अंदर शरीर के बॉडी के अंदर जाता है बाय ए सीरियस ऑफ ए स्मॉल पाइप, एक छोटे से पाइप के माध्यम से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्रेचिया बोला जाता है। ये ट्रेचिया का मतलब हुआ वायु नली, TRACHEA, वायु नली, वायु नली, ट्रेचिया, वायु नली जिसको बोला जाता है। ब्रीथिंग इन फिश, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मछली जो अंदर सांस लेती है वो किस ऑर्गन्स की मदद से लेती है, गिल्स के माध्यम से लेती है। गिल्स जो ना पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है वे मछली को सांस लेने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट सर, ब्रीथिंग इन एम्फीबियन। एम्फीबियन जो होते हैं जो कि जल और अस्थल दोनों पर रहते हैं, वैसे जानवर को एम्फीबियन कहते हैं। तो एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। द एडल्ट एम्फीबियंस कैरी ब्रीथ थ्रू लंग्स। कुछ ऐसे जो होते हैं एडल्ट बेयर्स के लंग्स जो कि फेफड़े से सांस लेते हैं और उनके बॉडी के ऊपर जो है ना स्किन बना हुआ है उसके माध्यम से भी सांस लेते हैं और उनके पास जो है ना पानी में जब जाते हैं तो गिल्स के माध्यम से भी सांस लेते हैं। ब्रीथिंग रेप्टाइल। रेप्टाइल्स मतलब ससरने वाले जो जानवर होते हैं वे किस तरह से सांस लेते हैं। ए लॉट ऑफ रेप्टाइल्स लीव ऑन लैंड। अधिकतर जो है ना रेप्टाइल्स जो होते हैं ससरने वाले जानवर होते हैं वे कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो लिव इन वाटर। उसमें से कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कि पानी में रहते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। वे जो ना सांस लेते हैं फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। बट क्रोकोडाइल डोंट हैव ब्रीथ। लेकिन क्रोकोडाइल के पास, मगरमच्छ के पास जो ना क्या गिल्स नहीं होता है। सो दे ब्रीथ बाय
रेजिंग देयर हेड्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब जब पानी के सतह पर आता है तब वो सांस लेता है। ब्रीथिंग इन वर्ड्स, इस तरह से चिड़िया जो है ना, हर चिड़ियों का जो सांस लेने का, बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, बर्ड जो है ना, बर्ड जो है ना, चिड़िया जो है ना सांस लेती है लंग्स के माध्यम से। दे हैव अ स्मॉल होल्स, उनके और छोटा सा जो ना छिद्र होता उसके छोटे से छिद्र को क्या कहते हैं, नियर्स बोला जाता है। नियर्स बोथ द साइड ऑफ देयर पीक्स ऑन इनहेलियर, मतलब चोंच की दोनों साइड में दो छिद्र होता है उसके माध्यम से बहुत सारे, जैसे ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच हो गया, इसके अलावा बहुत सारे है, डक भी होगा। ब्रीथिंग इन एनिमल, ब्रीथिंग इन मामल्स, मामल्स स्तनधारी, मामल्स ब्रीथ थ्रू नोज, मामल्स जो ना क्या चीज से सांस, नाक से सांस लेते हैं। ए पेयर ऑफ लंग्स इज देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उनके पास जो ना एक ही जोरे जो ना क्या होता है, श्वसन अंग होता है। वाटर मामल्स लाइक व्हेल, डॉल्फिन ऑल्सो पोजेस ए पेयर ऑफ लंग्स, उनके पास जो ना पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। सो दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर एंड हैव कम टू कम अप टू द सरफेस ऑफ ब्रीथ, जब वे जो ना ऊपर सरफेस के मतलब पानी के सतह के ऊपर आकर जो ना ये सांस लेने का काम करते हैं। उनके पास जो ना ब्लो होल होता है उसी के माध्यम से ये सांस लेते हैं। व्हेन दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन, जब वे ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, दे आर एंटर देयर बॉडी थ्रू ब्लो होल। When they breathe out, carbon dioxide leaves the body through the blowhole along the water, पानी के माध्यम से होते हुए वे जो ना बाहर निकल जाता है। तो यह जो थर्ड क्लासेस में इंप्रूव हुआ, आज का जो क्लास ये पॉइंट जो ना ये रिलेटेड है सेकेंड चैप्टर से ही, डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल से रिलेटेड है, और जो आज का जो टॉपिक हुआ उससे रिलेटेड जो ना सम वर्ड्स मीनिंग इज रिटन हियर, यू राइट डाउन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल, जानवरों के खाने के जो है ना आदत, जो हर जानवरों को खाने की आदत अलग अलग होती है, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे।